मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से उत्तर भारत के लिए जाने वाले प्रवासी लोगों का जो ताता है वो अभी भी स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें बदलती जा रही हैं लेकिन जो परेशानी है यात्रियों की वो कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि रेलवे की तरफ से एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं लेकिन जो तस्वीर है वो सब कुछ बयां करती है। जो लाइन है ये पवन एक्सप्रेस इस समय प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और उसके लिए जनरल बोगी में जाने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। एक जद्दोजहद रोज़ाना इस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिलती है कि इन यात्रियों में रहती है कि किसी तरीके से उन्हें एक सीट मिल जाए ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। साथ में इनके लगेजेस भी काफ़ी सारी रहती हैं। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जीआरपी के जो और आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो रेलवे के आला अधिकारी हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस से जो तस्वीरें सामने आ रही थी एक पैनिक मोड जैसा था। कई बार स्टैम्पीड होने जैसी भगदड़ जैसी होने वाली स्थिति पैदा हो जा रही थी तो उन लोगों के भी दौरे हो रहे थे सिचुएशन को देखने के लिए कि किस तरीके की तैयारियां हैं। उसकी वजह से और भी जो यहां पर सुरक्षा है आरपीएफ के जवानों की वो बढ़ा दी गई है ताकि जो लोग हैं वो लाइन में ही लगकर क्रमबद्ध तरीके से जो जनरल बोगी है उसमें दाखिल हों किसी भी तरीके से भगदड़ ना हो। और जो लाइन है आप देखिए कितनी लंबी होती चली जा रही है। एक के बाद एक जो बोगियाँ हैं उसमें लोग भरते जा रहे हैं और दूसरी बोगी जब शुरू होती है तो फिर से लाइन को रोककर दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। आप देखिए ये जो लाइन है अब आप देख रहे हैं ये सामने से ये आती हुई लाइन पीछे की तरफ से मुड़ गई है। आप देखिए कि यू टर्न मारा है इस लाइन ने और दूसरी तरफ ये लाइन आ रही है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ज़्यादा संख्या में इस समय यात्री इस ट्रेन में सवार होने के लिए आए हुए हैं। लगातार जो पैसेंजर्स हैं उनकी कड़ी बनी हुई है। महिलाएं हैं बच्चे हैं पुरुष हैं उनसे बात करते हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? बिहार जा रहे सर। बिहार जा रहे? बिहार में कहाँ? दरभंगा। अच्छा दरभंगा किया छठ पूजा के लिए जा रहे हो? नहीं सर। अच्छा स्कूल के काम से जा रहे सर। काम से जा रहे हो? कितने लोग हो? दो लोग हैं सर। दो लोग? कितने देर से लाइन में लगे थे? दो बजे से सर। इस वजह से कल दो बजे से सोचिए दोपहर दो बजे से लगा कर लाइन कल से लोग कतारों में खड़े हैं और सभी के हाथ में लगेजेस हैं। बस यही एक लक्ष्य है कि किसी तरीके से अपने घर पर पहुंच जाए। आप देखिए लाइन और भी जुड़ती चली जा रही है लोगों का ताता और बढ़ता चला जा रहा है और सभी अपनी अपनी मंजिल में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। कहाँ जा रही हैं आप? बनारस। बनारस जा रही हैं परिवार के साथ? जी। कितने देर से लाइन में खड़े हैं? कल शाम से ही। कल शाम से ही? हाँ इधर नहीं आए थे उधर थे। अच्छा। आठ बजे से इधर है। आठ बजे से? जी। देखिए इस तरीके की स्थिति है छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं परिवार के साथ सफर कर रही हैं। लोगों की परेशानी है खत्म नहीं हो रही। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आरपीएफ की तरफ से एक सुरक्षा जो है ड्रिल हो रही है जिसमें खास तौर पर लोगों के जो पैसेंजर्स हैं ट्रेनों में सफर करने वाले उनके लगेजेस चेक किए जा रहे हैं। ये जो मुहिम है खास तौर पर हाल के दिनों में ट्रेनों की बोगीज में पैसेंजर्स के द्वारा जो ज्वलनशील कई बार पदार्थ लिए जाया जाता है जिसकी वजह से आग लगती है। हालांकि लगातार ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि किसी भी तरीके के ज्वलनशील जो सब्सटेंस है वो आप लेकर ना चले जिससे कोई भी अप्रिय घटना हो। हाल के दिनों में इस तरीके की घटनाएं भी सामने आई है कि बोगीज में आग लग गई है और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कई बार जो यात्री होते हैं वो अपने सामान में कई सारी ऐसी चीज़ें लेकर चलते हैं और इसी वजह से बोगी से लेकर जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म पर जो पैसेंजर्स हैं आ रहे हैं जा रहे हैं उनके सामान की जाँच की जा रही है ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि जो यात्री हैं उनकी यात्रा पूरी तरीके से सेफ और साउंड हो। आप देखिए जो आरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं वो खुद जो है बोगीज के अंदर दाखिल हो होकर लोगों के लगेजेस चेक कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेबल या ज्वलनशील जो चीज़ें हैं लोग उसको लेकर ट्रैवल ना कर सके क्योंकि एक बहुत बड़ी सेफ्टी की ये जिम्मेदारी होती है रेलवेज की कि किसी भी तरीके की इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो इस चीज़ को इंश्योर करना। और जब हाल के दिनों में रेलवेज में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं बोगीज में लगने की घटनाएं हो चुकी हैं तो वैसी कोई घटना दोबारा ना हो उस चीज़ को इंश्योर करते हुए आरपीएफ के जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगेजेस चेक करते हुए इस समय तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। पवन एक्सप्रेस इस समय मुंबई के एलटीटी स्टेशन पर खड़ी है और जो लगेजेस हैं लोगों के चेक किए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पैसेंजर्स के ट्रैवलिंग के लिए सहूलियत हो सुविधा हो इसकी वजह से खास तौर पर जो चालू बोगीज होती हैं जनरल बोगीज होती हैं उनमें यात्रियों को सही तरीके से वो अपने स्थान पर बैठ जाएं उसके लिए लाइन भी लगाई इस समय जा रही है क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है। काफ़ी संख्या में लोग मुंबई से प्रवासी जो मजदूर होते हैं प्रवासी लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं तो उनकी सुरक्षा को भी देखते हुए
काफी ज्यादा चाक चौबंद इस समय व्यवस्था सुरक्षा की गई है स्टेशनों पर, जिसकी तस्वीरें हमें इस समय देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।